ये मैंने कूलर पकड़ा हुआ है तो दो अरबी आ गए थे, यल्ला यल्ला कुल्फी। अभी हमने जो मछली पकड़ी है वो बहुत छोटी थी और उसका अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ था, तो हमने उसे वापस भेज दिया है। असी क्या जाके से वड्डे नु भेज, छोटिया नाल नहीं सी लड़दे। तो नेक्स्ट ट्राई देखते हैं अब हमारी कहाँ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। दुबई टूर में जब आप आते हैं तो आप बुर्ज खलीफा, बुर्जुल अरब, दो क्रूज और डेजर्ट सफारी और दुबई मॉल, दुबई मरीना, जुमेरा, जेबीआर वॉक, इस तरह का निज़ाम कायम करते हैं। मैं लेकिन दुबई को फिरना चाहता था थोड़ा किसी लोकल के साथ, तो लकीली मेरा कज़न है, मेरे ताए का बेटा है ज़ुबैर। अभी फजर की अजानें होने में कोई 5-10 मिनट रहते हैं, उसका मुझे मैसेज आता है कि मैं आ रहा हूँ। और मौसम बाहर बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है, तेज़ हवा चल रही है और हल्की हल्की फवार बारिश की भी हो रही है। तो इस मौसम में हम निकलेंगे, सुबह के वक्त हम पहुँचेंगे, जुमेरा बीच जाएंगे या काइट बीच जाएंगे और हम करेंगे फ़िशिंग और देखेंगे कि आज हमें वहाँ पर क्या मिलता है। फ़िशिंग वैसे एक पेशेंस वाला काम है, लेकिन हमें ये है कि वहाँ पर थोड़ा टाइम गुजारेंगे। मॉर्निंग हमारी जो सनराइज़ होगा वो इंशाल्लाह जुमेरा बीच पर होगा, तो मेरे साथ रहिएगा। आज के एपिसोड के बारे में बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये एक डिफरेंट चीज़ है जो दुबई टूर में मैंने प्लान नहीं की हुई थी और इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है। दुबई का ये नज़ारा भी मैंने पहली दफ़े देखा है, सुबह 5 बजे मैं कभी उठी ही नहीं। अभी दिन चढ़ रहा है और हल्की हल्की बारिश अभी से ही हो रही है। और अस्सलाम वालेकुम, ज़ुबैर भाई ने हमें ज्वाइन किया है भाई, और आज का जो व्लॉग है ये यही हमें करवा रहे हैं। इसने अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया काफ़ी फिरा है, और ये दुबई की बहुत तारीफें करता है कि दुबई जो है ना वो रहने के लिहाज से बड़ा अच्छा शहर है। और चेक करें भाई की बरकतें, ऐतर बिजली भी कड़कन रही है तो बारिश भी हो रही है हजरात। और ये दुबई में बारिश वैसे बड़ी एक यूनिक चीज़ है। वैसा प्रोग्राम क्या है भाई, मुझे उसका तो बता दें कुछ। अभी तो जुमेरा के लिए निकल रही है। हाँ जी, वेदर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है टुडे, और देखते हैं फिर आगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस कदर तेजी से की जाती है कि अगर वो किसी एरिया में महीना डेढ़ महीना ना जाए तो वहाँ पे अगर वो गुजरे तो एक नया ब्रिज बना होता है और सारे रास्ते चेंज हुए होते हैं। इतनी तेज होती है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, 24 घंटे काम किया जाता है। ऐसे सारे ही शहबाज शरीफ मैक्स प्रो के वर्जन है यहाँ शायद यहाँ पे। मुझे ये बताएं कि अपना एक्सपीरियंस, आप जो मछलियाँ पकड़ते हैं कि कभी कोई वो वाली मछली आई है जिसके मुंह में से मोती निकल आता है और बंदा बैठे बैठे ही करोड़पति बन जाता है? मेरे एक्सपीरियंस में पिछले 4-5 साल से मैं कर रहा हूँ फिशिंग, और कोई इतनी प्रोफेशनल नहीं, बस ऐसे ओकेजनली करता हूँ। कि मैं तारीफें तो बहुत कर रहा हूँ कि बारिश भी हो गई है, तो नहीं पाकिस्तान 92 में भी ये हुआ था तो वर्ल्ड कप जीत जाएगा, वो वाला सीन हो रहा है कि मैं तो बारिश भी हो गई है तो मैं मच्छियाँ भी फाड़ लाँगे। लामर बीच इस तरफ है। अच्छा, अभी हम जुमेरा रोड पे आ गए और कोई पता नहीं है। वैसे मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ये ना हो कि सानू समुद्र जाने ना देन, क्योंकि मौसम जो है वो इस वक्त ज़रा एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। ये देखिए, ये जुमेरा का एरिया है, जुमेरा बीच के साथ साथ, और ये विले जो है ना ये शेखों के हैं, और यहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी आपको पता ही है फिर किस कदर महंगा और किस कदर लैविश है। उन्हें गलियाँ जुलांग के जा रहे हैं सी। ये चेक करें जी, क्या एक खूबसूरत नज़ारा है, और लोग हमसे भी पहले यहाँ पे वॉक करने पे पहुँचे हुए हैं। यार क्या ही ज़बरदस्त मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बारिश आई रही ना, मच्छियों ने कोई नहीं आना। ये भी पकड़ ले चीज की। एक मेरे पास वैसे मशवरा है, अगर मछलियां ना पकड़ी तो हमारे पास जो बेट है जाके उन्हें मसाला ला ला। लाइट थोड़ी तेज होगी ना तो आपको निज़ामे जिंदगी पता चलेगा यहाँ पे कैसा है।
फिशिंग हो ना हो, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, ओए होए होए अन्नी बैरी है। क्या ही खूबसूरत मौसम है और मज़ेदार थी ना। काइट बीच से भी हो लिया है और यहाँ पे भी फिशिंग का कोई सीन अभी नज़र नहीं आ रहा। और अभी आगे सफ़ू चलते हैं। सफ़ू में मुझे लग रहा है क्योंकि बारिश रुक गई है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन हो सकता है कि हमारा निज़ाम बन जाए वहाँ पे जाने का। फाइन बारिश रुक गई है, अब की बार उम्मीद है कि हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हवा भी कम हो गई है और बारिश भी नहीं हो रही। मुझे सिर्फ आज की टेंशन ये नहीं थी कि फिशिंग ना हुई तो क्या करेंगे, मुझे टेंशन यार मैं शर्ट नवी पा लेती है तो शायद एपिसोड बनना चाहिए। अभी क्लाउड फॉर्मेशन के क्या कहने हैं, दुबई में ये भी कम मिलती हैं। तुम्हारा भरा आया तो आए ने बदल क्या नहीं जुबैर साहब? बड़े ही खूबसूरत ह्यूज हैं, ऑरेंज पर्पल ब्लू सतरंगी बदल इकट्ठे हो गए ने। और खुशी की बात यह है कि हमने जुबैरा बीच जो था उसको भी और काइट बीच दोनों के मज़े पूरे कर लिए हैं और अब हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं। और हवा भी जो है वो बहुत हल्की हो गई है, तेज़ हवा में ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता। वैसे आपस की बात है, जो बीच पे चल रही होती है ना वो बहुत तेज़ होती है। और ये हमारे पास सौदा सल्फ हमने कर लिया। कुल्फिया नहीं बेचने लगा, इसमें हमारे श्रिंक्स हैं। ये तो काफी बड़े साइज के हैं। अच्छा ये इस तरह से लगेगा। सही सही, मैं यही कहने लगा था यार जो पूरा पूरा ऐसे चलाना था ऐसी बिरयानी ना बना लिए। बिस्मिल्लाह की जाने लगी है। अभी हमने लगाया ही था और पहला तुनका बज गया। ओह ये तो बड़ी है। स्टक हो गया किसी चीज में। मछली को पता चल गया था, वो साइड तो होकर निकल गई, आधा पीस खा लिया उसने। अभी ये मैंने कूलर पकड़ा हुआ है तो दो अरबी आ गए थे, यल्ला यल्ला कुल्फी, और मैं कहा नाश्ता कुल्फी ना। हम वैर बता रहे हैं कि इतनी जल्दी कभी भी बाइट नहीं आती, लेकिन मच्छी भी नहीं आती। ओहो 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 वो आ गया। वो आ गई। ओहो ये तो छोटी सी आई है, ए वापस ही भेज दियो। ओहो ये कौन सी है? ये है शेरी। शेरी शेरी कैसी हो? ग्रुपर है। हाँ छोटी ग्रुपर है। अच्छा ये भी बड़ा टेक्निकल काम है, इसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है, ये बड़ा सब्र वाला काम है। आपको फिशिंग जो है वो पेशेंस सिखाती है। अभी हमें तीसरी हमारी जो थ्रो थी उसमें हमें एक छोटी फिश मिल गई थी, और उसके बाद हमने कोई 10 मिनट बाद दो किए थ्रो और वो दोनों ही वही कोल आ गई है। वही तो नहीं आ गई, सुल्तान इब्राहिम साहब आ गए हैं जी, इनसे मुलाकात करते हैं।
ये है जी सुल्तान, ओ ये उससे भी ज़्यादा प्यारी है। वाह जी वाह, ये भी छोटी है, इन भी जान दी है। ये देखिए जी, ये सुल्तान इब्राहिम साहब हमने पकड़े हैं, ये सुल्तान इब्राहिम जूनियर है, ठीक है, लेकिन श्रीम खान का बहुत शौक है, इनको भी हम छुट्टी दे देते हैं। ओके जी, 8 बज गए हैं, लेकिन क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हैं तो धूप इतनी आई नहीं अभी, तो जब तक बेरेबल है हम लोग करते हैं फिशिंग। अभी तक 2 कैच आए हैं, दोनों छोटे थे, उन दोनों को हमने रिलीज कर दिया। बड़ा अच्छा फैसला था और टाइम बड़ा अच्छा था जो ज़ुबैर ने सेलेक्ट किया ना, कि सुबह फजर के वक्त घर से निकलना है। तो मेरा तो आधा प्लान वहीं पे कैंसिल हो गया था कि मैं नहीं आना है इस टाइम, लेकिन हिम्मत की इसने कहा कि नहीं बना लो प्लान, बड़ा मज़ा आएगा, और वाकई ये वर्थ इट है। इस वक्त ना सबसे बड़ी बात यह है कि बंदे कोई नहीं है, असी बंदे हाँ यह गल नहीं, किसी भी बंदे नहीं, लेकिन यहाँ पर रश कोई नहीं है, हम अकेले ही हैं। यहाँ एक वहाँ पे एक बाबा जी थे अंग्रेज, वो मछलियाँ फाड़े सन। तो मगरमच्छ ही आएगा। हाँ हाँ। ग्रुपर है शायद, स्नाइपर, ये स्नाइपर है और ये भी बहुत छोटी है, लिहाजा इसको अभी हम यबन कटीटा नहीं करेंगे, इसको भी हम भेज देते हैं, छुट्टी दे देते हैं। इस ये जो लाइन बनी हुई है इसके कॉर्नर पे 2-3 लोग और भी फिशिंग कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से काफ़ी दूर हैं। तो दूसरे ऐसी हैं बस, ये पॉइंट इतना ज़बरदस्त है कि आपको ये देखे मेरे पीछे बुर्ज खलीफा, डाउनटाउन भी सारा नज़र आता है और अटलांटिस की स्काईलाइन भी नज़र आती है, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। ये सामने आ गया डाउनटाउन बुर्ज खलीफा के साथ, और एक्सट्रीम राइट जाएंगे तो वो सामने आ गया बुर्जुल अरब, और सामने ये राइट साइड पर जो आप देख रहे हैं ये आ गया पाम अटलांटिस 2। हमने जो सुबह बारिश इंजॉय की है ना, और जो हम काइट बीच पे गए हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा था वहाँ पे, गोल्डन सनराइज़ हुआ है आज, जो कि ज़ुबैर कह रहा था ये भी कभी कभी होता है, नींद पूरी नहीं हुई भी, लेकिन ये है कि एक्साइटमेंट इतनी है कि जाने का यहाँ से दिल नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे लोग आते जा रहे हैं, अभी 8:10 हुए और हमें तकरीबन 40 हो गए हैं फ़िशिंग करते हुए। वैसे तो मैं होटल में जाके 2 सोया था क्योंकि उसको बहुत नींद आ रही थी, और लेकिन नाश्ता अभी भी अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ एक फ़ायदा ये हुआ कि हमें लंच का मेन्यू भी मिल गया, लिहाजा हमें मंदी भी मंगवा ली थी। ये प्योर अरेबिक रेस्टोरेंट है, मेरे होटल के बिल्कुल साथ था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, 2-3 से मैं देख रहा था कि यहाँ से कुछ खाऊँगा, तो एक हमने नाश्ते की ले लिए है मंदी, चिकन मंदी, मटन मंदी, और साथ में हमने ले लिया है शक्शुबा। ये किसी ये मैं आपको कोई केमिकल फार्मूला नहीं बता रहा, यहाँ पे एक ऑमलेट है उसको शक्शुबा कहते हैं, सुबह नाश्ते में यही चलता है, और उससे पहले इन्होंने हमें ये यखनी दी है, साथ बड़े बड़े नींबू दिखते हैं। हमने अपने ऑर्डर में दिया है एक चिकन मंदी, एक मटन मंदी और एक शक्शुबा, साथ उसमें ब्रेड भी होगी। ये यखनी है, दाल नहीं है इसमें, बेहतरीन है, और इसके जो है स्पाइसेस वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, हम इंडियन पाकिस्तानी कुजीन तो खा नहीं रहे। ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है अक्सर रेस्टोरेंट्स में,
मैं रात को भी हम खाना खा रहे थे, तो पहले उन्होंने हमें लेंटिल सूप दिया था, ये इनकी ट्रेडिशनल है और ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिली है। साथ में ये टमाटो की हमें पेस्ट भी मिली है, पता नहीं किमें खानी है। कोई नहीं, खाली चमचा ला के देख लाना। मेरे सारे इनको ना, जो कोई बंदा होटल में एंटर होता ना, तो उन्होंने पता आ जाता कि भूख लगी है, उन्होंने उसके साथ रोटी दे दी। ऑमलेट है बेसिकली, देखिए ऑमलेट है, इसमें टमाटर प्याज हरी मिर्चें नज़र आ रही हैं। मैं शक शुबा छोड़ दवा, हजरात ग्रिप कंट्री बहुत मुश्किल में है। आमलेट खावा के, नली खावा के, बटर खावा के, इसमें मैं नींबू छोड़ता हूँ। सबसे पहले आगाज किया जाएगा, वो आप ये चेक करें कैसा गला का गोश्त है। वो ऐसा कोई, मेरा ख्याल है ये स्टीम पे बनी हुई है। ये हमने आलू रखा, इसके ऊपर चौल रखे, ऊपर हमने रखी बोटी, उसे पाया टमाटो। ओहो लिथल कॉम्बिनेशन। जब दर्शक आपकी मुँह में आती है ना, तो मीठे की फील आती है। वैसे ये जो चावल है वो बिल्कुल सज्जे जैसे चावल है, इनकी क्योंकि मंदी है। टमाटर सालम शक्शुबा बिलाशुबा बहुत मज़े का था, और दो घंटे सोने का मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे नाश्ते के साथ लंच का मेन्यू भी मिल गया, इसलिए मैंने उसमें मंदी भी ऐड करवा दी और अकलमंदी भी इसी में थी। और आज का जो एपिसोड है वो बड़ा ही ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ। सुबह हमें सर्दी लग रही थी जब हम उठे हैं, और वैसे तो मैंने सुबह पैसे, जब फर्स्ट टाइम मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा कि मैं ना करूँ, ना जाऊँ पे रवा, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत की और अब मैं, खुशी हो रही है मुझे अपने फैसले पे कि अच्छा किया कि हिम्मत कर ली। हमने तीन मछलियाँ पकड़ी छोटी छोटी, तीनों को हमने रिलीज किया, और अभी दुबई का जो सूरज है वो अपना रंग दिखाना शुरू हो गया, लिहाजा मैं आप अपने कमरे में जाऊँगा और अब शाम में बाहर निकलूँगा। आज के एपिसोड के बारे में मुझे बताइएगा कैसा लगा, और गेस कीजिएगा कि अगला एपिसोड मैं कौन सा अपलोड करने लगा हूँ दुबई सीरीज़ का। हो सकता है आप गेस लगाएं और ये एपिसोड सीरीज़ का आखिरी हो, उसके बाद कोई एपिसोड ही अपलोड ना हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। लिहाजा दैट्स ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।